सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ज्ञान चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ जिलब्रेक के बारे में। क्या होता है जिलब्रेक, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या वो सिक्योर होता है नहीं होता है, वो सेफ़ है नहीं है, अनलॉकिंग क्या होता है, आज मैं इसी के बारे में थोड़ी आपसे बात करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा चैनल, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके जो दूसरे दोस्त हों, आईफोन यूज़र्स हों, उनको ये नॉलेज पहुँच सके। मैं आपका दोस्त अमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान। दोस्तों, जब से आईफोन रिलीज हुआ जनवरी 2007 में, तब से आज तक में मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो आईफोन यूज़ करते हैं उसके इजी ऑफ यूज़ के लिए, उसकी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट डिज़ाइन के लिए। लेकिन एक सेक्शन ऑफ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं, कस्टमर्स ऐसे भी हैं जिनको आईफोन नहीं पसंद, सिर्फ एंड सिर्फ एप्पल के इम्प्लाइड लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस के कारण। तो ये रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस निकालने के लिए ही जेलब्रेक का जन्म हुआ। तो जिसके कारण हमारा पहला सवाल आता है, व्हाट इज़ जेलब्रेक, जेलब्रेक होता क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जेलब्रेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एप्पल के अप्लाइड लिमिटेशंस, जो भी उसके रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस है जो उसने iOS के अंदर अप्लाई किया है, उसको लोग ब्रेक फ्री करते हैं और वो लिमिटेशंस हटा देते हैं। वो लिमिटेशंस हटाने के प्रोसेस को ही जेलब्रेक प्रोसेस बोलते हैं। फिर आप सोचेंगे अनलॉकिंग क्या होता है, तो मैं बता दूँ कि जेलब्रेक और अनलॉक दो अलग प्रोसेस है। अनलॉकिंग जो है वो कम्प्लीटली नेटवर्क रिलेटेड होता है। जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई फ़ोन ख़रीदते हैं, जैसे कि हमने वोडाफोन के थ्रू 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक आईफोन ख़रीदा, तो वोडाफोन वाला उस फ़ोन को लॉक कर देता है इस तरीके से कि उसके अंदर वोडाफोन के सिम कार्ड के अलावा और कोई कंपनी का सिम कार्ड नहीं चलेगा, जब तक कि हम उस फ़ोन का पूरा पैसा नहीं दे दें, जब तक कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओवर नहीं हो जाए। तो उस फ़ोन में दूसरा सिम कार्ड चले उसके लिए उस फ़ोन को अनलॉक करना पड़ता है। अनलॉकिंग कंपनी से भी हम डायरेक्टली भी करवा सकते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया, हमने उनको अप्लाई किया कि हमको हमारा फ़ोन अनलॉक करवाना है, तो कंपनी भी अनलॉक करती है। और अगर हमको कंपनी से नहीं करवाना है तो कई ऐसे सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जो एक अमाउंट ऑफ मनी लेते हैं और हमारा फ़ोन अनलॉक करवा के देते हैं कंपनी के थ्रू। तो अनलॉकिंग प्रोसेस आपका नेटवर्क फ्री करती है और जेलब्रेक प्रोसेस आपके फ़ोन को फ्री करती है। तो अब सवाल, नेक्स्ट सवाल हमारा आता है कि जेलब्रेक करने का फ़ायदा क्या है, मेन बेनिफिट्स क्या है जेलब्रेक करने के, कि हम क्यों जेलब्रेक करें हमारा फ़ोन। पहला पॉइंट, इंस्टॉल ऑफ अनऑथराइज्ड ऐप्स। जैसे ऐप स्टोर है वैसे ही सीडिया स्टोर आता है। जो ऐप्स एप्पल अप्रूव नहीं करता, जो ट्वीक्स, जो सॉफ्टवेयर एप्पल अप्रूव नहीं करता ऐप स्टोर में आने के लिए, वो सभी ऐप्स हमको सीडिया स्टोर में मिल सकते हैं। सीडिया स्टोर में भी हज़ारों ऐप्स हैं डाउनलोड करने के लिए, हमारे फ़ोन को कस्टमाइज़ करने के लिए, हमारे फ़ोन को अलग अलग तरीक़ों से यूटिलाइज़ करने के लिए। तो वो सारे अनसाइंड ऐप्स, अनऑथराइज्ड ऐप्स जो ऐप स्टोर ऑथराइज नहीं करता है, वो सभी ऐप्स हम सीडिया स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकेंड, हम हमारा फ़ोन कस्टमाइज़ कर सकते हैं, थीम्स डाल सकते हैं, आइकॉन्स चेंज कर सकते हैं, जो कि एंड्रॉयड में काफ़ी टाइम से अवेलेबल है, लेकिन आईफोन में कभी भी एप्पल ने अलाउ नहीं किया कस्टमाइज़ करने के लिए, थीमिंग के लिए, आइकॉन चेंजिंग के लिए। तो हम लोग पूरा थीम्स अप्लाई कर सकते हैं, आइकॉन्स चेंज कर सकते हैं, हमको जैसा हमारा विश करे हम वैसा अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, अंदर के पूरे फैसिलिटीज़, यूटिलिटीज़ कस्टमाइज़ करना। जेलब्रेक करने के बाद हम आईफोन का हर एक हिस्सा, हर एक चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आज हमको वॉल्यूम हर्ड सेंटर में आता है, हमको नहीं पसंद, हम साइड में वॉल्यूम हर्ड चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर में हम फैसिलिटीज़ ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कॉल रिकॉर्डर इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि कभी भी आईफोन में आज तक आया नहीं, शायद आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता। कॉल रिकॉर्डर हम डाल सकते हैं, आंसरिंग मशीन हम डाल सकते हैं, हम फ़ोन को सिस्टम लेवल तक कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं जेलब्रेक के थ्रू। चौथा, iOS का जो फाइल सिस्टम है उसको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। समझिए आपके पास कंप्यूटर है और आप उसमें सी ड्राइव में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल किया निकाला, कोई फाइल आप सेव नहीं कर सकते सी ड्राइव में, तो कैसा लगेगा? तो वही चीज़ था बिना जेलब्रेक के। एक बार जेलब्रेक कर दिया तो हम वैसे कंप्यूटर की तरह ही सी ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं, जो मेन फाइल सिस्टम है iOS का उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। फिफ्थ, फ्री टीथरिंग। कई बार जो हमारे कैरियर्स होते हैं वो लोग लिमिटेशन रखते हैं कि हम अगर कंप्यूटर में टीथरिंग करेंगे या अपना इंटरनेट शेयर करने की कोशिश करेंगे तो उसके वो लोग एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। तो जेलब्रेक करने के बाद कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं
जिनको हम यूज़ करके अपना मोबाइल का जो इंटरनेट डेटा है उसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं, बिना कैरियर को ये बताए कि हम उसको मोबाइल में ही यूज़ कर रहे हैं या उसको पीसी में कनेक्ट करके हम यूज़ कर रहे हैं। सिक्स्थ, एंटी थेफ्ट सिस्टम्स। कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जेलब्रेक के अंदर, जैसे आई कॉट यू, जिसके अंदर एक और एडिशनल लेवल ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है हमारे फ़ोन में, कि किसी ने गलत पासवर्ड डालने की कोशिश की 3 बार या 4 बार या हम जितनी बार सेट करें, वो ऑटोमेटिकली फ्रंट कैमरा से फ़ोटो खींच के हमको मेल कर देगा, हमको व्हाट्सएप कर देगा। ये सब फैसिलिटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट iOS के अंदर नहीं है, जो एडिशनल बेनिफिट्स, एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं। अब जैसे बेनिफिट्स हैं जेलब्रेक के, वैसे ही उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं कुछ जेलब्रेक के। सबसे पहला इफेक्ट और सबसे मेन इफेक्ट है वारंटी इशू। अगर जेलब्रोकन आईफोन हम एप्पल स्टोर में लेके जाते हैं तो वो लोग उनकी वारंटी नहीं देते, क्योंकि जेलब्रोकन है इसीलिए। तो अगर हम जेलब्रेक करते हैं तो ये हमको याद रखना है कि उसकी वारंटी नहीं मिलेगी एप्पल के तरफ से। दूसरा, लेस सेफ। एक बार आईफोन जेलब्रेक हो जाता है और एप्पल की लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं, फिर उसके बाद से सीडिया स्टोर से जो भी हम इंस्टॉल करते हैं या अदर सोर्सेज से जो भी हम इंस्टॉल करते हैं आईफोन में, वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो उसमें कई बार ये हो सकता है कि हमें पता नहीं है कोई सॉफ्टवेयर कहाँ से आया है, उसका सोर्स क्या है, और हम इंस्टॉल करते हैं उसमें मेलवेयर हो सकता है, उसमें वायरस हो सकता है, या फिर हमने सही सोर्स से इंस्टॉल नहीं किया है, वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर हमारे फ़ोन के लिए टेस्टेड नहीं है और वो फ़ोन हमारा क्रैश कर दे, तो ये एक इशू आ सकता है। तीसरा, लेस सिक्योर। अगर iOS हमारा जेलब्रोकन है, अगर हमारा फ़ोन जेलब्रोकन है, तो हम लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट नहीं कर सकते फ़ोन को। अगर हम लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट करते हैं तो हमारा जेलब्रेक चला जाता है, क्योंकि जेलब्रेक एक कैट एंड माउस की रेस है एप्पल डेवलपर्स के बीच में और जेलब्रेकर्स के बीच में। जैसे कोई नया वर्जन एप्पल का आता है, iOS का नया वर्जन आता है, वैसे ही सारे जेलब्रेकर्स उसे जेलब्रेक करने में लग जाते हैं, लेकिन उस चीज़ में एक टाइम लगता है। तो जब तक उसका जेलब्रेक नया नहीं आता, हम अपडेट नहीं कर सकते, तो हमें पुराने वर्जन पे ही रुके रहना पड़ता है। जो नए सिक्योरिटी फिक्सेस आते हैं, जो नए पैचेस आते हैं, उस पर हम अपडेट नहीं कर सकते। चौथा, एक्सेस iOS फाइल सिस्टम। जैसे कि iOS फाइल सिस्टम को हम एक्सेस कर सकते थे, वो एक बेनिफिट है, लेकिन उसका एक माइनस पॉइंट भी है कि गलती से हमें नहीं पता और हमने कोई काम की इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट कर दी, तो हमारा फ़ोन डेड भी हो सकता है, रेंडर यूजलेस भी हो सकता है, कोई काम नहीं है, हमको पूरा फॉर्मेट मारना पड़े वापस से फ़ोन को, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो जब तक हमें नहीं मालूम है, तब तक हमें कोई फाइल iOS के फाइल सिस्टम में नहीं छेड़नी चाहिए, ताकि हमारा फ़ोन में कोई प्रॉब्लम ना हो। पांचवा, शॉर्ट बैटरी लाइफ। एक बार फ़ोन जेलब्रेक होता है तो उसके बाद कई कोड्स बैकग्राउंड में रन होते हैं, जो कि एप्पल नहीं चाहता बैकग्राउंड में रन हो। एप्पल चाहता है कि उसका फ़ोन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे, टोटल टू द टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस दे, लेकिन जेलब्रेक होने के बाद, क्योंकि कई कोर्स बैकग्राउंड में रन होते हैं, एप्पल की रेस्ट्रिक्शंस बंद होती है, तो उसके कारण बैटरी लाइफ पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। छठा, परफॉर्मेंस इशू। जेलब्रेक करने से सभी एप्स जो हम CDIA के थ्रू इंस्टॉल करते हैं, वो सब बैकग्राउंड में मेमोरी में चलता है, जिसके कारण फ़ोन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होना चाहिए उससे थोड़ा सा स्लो हो जाता है। सेवन्थ, एप्लीकेशन क्रैश एंड इशूज़। कई एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो ऑप्टिमाइज किए होते हैं, जो चेक करते हैं, चालू होते ही चेक करते हैं कि फ़ोन जेलब्रेक है कि नहीं है। अगर फ़ोन जेलब्रेक होता है तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाते हैं, वो एप्लीकेशन चलते नहीं है iOS के अंदर। तो वैसे एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में अगर जेलब्रेक कर दिया है आपने, तो वैसे एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में नहीं चलेंगे। ये तो कुछ बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस थे जेलब्रेक करने के। आखिरी सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो है, क्या जेलब्रेक सेफ है? तो मैं बोलूँगा हाँ, जेलब्रेक सेफ है। आज के टाइम में जेलब्रेक सेफ है एंड बहुत इजी है। अगर आपको इशू लगता है, आपका फ़ोन क्रैश हो रहा है, हैंग हो रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है जेलब्रेक करने से, तो सिंपल एक स्वाइप के अंदर आप वापस ओरिजिनल फर्मवेयर पे रिस्टोर कर सकते हैं। बैकअप किया iTunes पे एंड रिस्टोर कर दिया ओरिजिनल फर्मवेयर में, एज सिंपल। अगर आप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं लेता आता हूँ रोज़ाना। एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनके पास आईफोन है और जो जेलब्रेक शायद करना चाहते हैं, या जेलब्रेक क्या होता है जिनको नहीं मालूम, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको कुछ सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा, ताकि हमें आपकी राय पता चल सके। एंड अगर आपको कोई नया आइडिया है जिसके बारे में मैं वीडियो बना सकूं, तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आप क्या सोचते हैं हमारे इस वीडियो के बारे में। सब कुछ आपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन अग्रवाल, अभी के लिए बाय।